नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 19 साल के एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 19 साल का लड़का अब कई युवाओं की प्रेरणा बन चुका है। आपको बता दें कि ये प्रेरणा इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये 19 साल का लड़का दिन भर एक रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके बाद शाम में 10 किलोमीटर तक की दौड़ लगाता है। आपको बता दें कि ये लड़का जो है वो सेना में भर्ती होना चाहता है और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद ये घर जाकर खाना भी बनाता है। आप ये वीडियो देखिए। दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैकडी में, सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा, हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। सुबह मैं उठ के बात ना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप, कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। 19 साल। और उत्तराखंड के हो? हाँ। इजा बाजू कांचन घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते घर पूछे तू? दाद जगह सी। हाँ, दाद जगह सी। मम्मी एडमिट चो हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए? हाँ। यो वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएगी? हाँ। कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो बर्बाद नहीं होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ, तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है, 16 से बरोला। बाप रे, और खाना कब खाएगा? खाना बनाऊंगा घर जाके। अबे घर जाके बनाएगा? हाँ। चले मेरे घर चल, मैं खाना तो बाकी हम लोग खाते हैं ना। भूखा रह जाएगा ना फिर? हैं? बड़ा भाई भूखा रह जाएगा ना। तो बड़ा भाई नहीं बनाएगा तो बड़ा भाई घर में तो बड़ा भाई बना लेगा। वो ड्यूटी गया, उसकी नाइट ड्यूटी है। अरे बाप रे, यार प्रदीप तू कमाल है लड़का। यार सुन, मैं छोड़ दूँ ना तेरे? मैं छोड़ देता हूँ ना, ना मैं चल जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी फिर, रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। आपको बता दें कि जब इस लड़के से बात की गई तो क्या कुछ कहा इस लड़के ने, एक बार आप खुद सुनिए। क्या पता चला तुमको अभी तक, कुछ पता चला क्या? हाँ, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला करके। तुमको इंटरनेशनल अवार्ड मिला? आपको? मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला यार। सुना ही मैं आया मेरा ऐसे ही। अच्छा, गूगल पे देखिए अभी आईडी, विनोद कपरी करके। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? क्या होगा, कुछ नहीं। तो मैंने तो कल बोला था वायरल हो जाएगा फिर। तो उसमें क्या हो रहा है वायरल होने में? वायरल होने में क्या हो रहा है? गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ ही तो लगा रहा हूँ। अच्छी बात है। नहीं सुनो, पूरे देश ने तुमको बहुत प्यार दे रहे हैं सब लोग, और सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग उल्टा भी बोल रहे हैं। कोई उल्टा नहीं बोल रहा, एक भी आदमी उल्टा नहीं। दो तीन लोगों के कमेंट देखे मैंने, बोल रहा था कश्मीर में दौड़ाओ इनको, इन वहाँ जाके दौड़ना भूल जाएगा ऐसा वैसा करके कुछ। नहीं बेटा, वो एक आध लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब लाखों लोग देख रहे हैं और लाखों लोगों ने कहा कि ये बच्चा बहुत कमाल का बच्चा, ये प्रेरणा है बच्चा, इस बच्चे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हाँ, मेरे गाँव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, तो सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैं उनको, फोन मेरे पास भी आया बहुत लोगों का फोन। तो ऐसे लोगों का नंबर मैं दूं क्या उनका? किसका नंबर? तुम्हारा नंबर दूं? हाँ दे दो। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ, मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है बस। मेहनत करो तो बाकी सब। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देसवा न्यूज़ पर। धन्यवाद।